अगर आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप खुद से ऑनलाइन ही घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप HDFC बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होगा, जिसमें आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप फुल KYC भी अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो KYC के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। हालांकि मैं कंप्यूटर के थ्रू बता रहा हूं कि किस प्रकार से सारा प्रोसेस करना है, लेकिन आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि इस लोगो में देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन से हो रहा है। अगर आप वीडियो KYC ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर ब्रांच विजिट करके भी फुल KYC करा सकते हैं। तो क्या है प्रोसेस, आप आगे देखिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, यहाँ पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल लेंगे और ये कैप्चा देख के यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, यहाँ पर टिक मार्क लगाना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद मोबाइल पे एक OTP जाएगा, जो नंबर आपने डाला है। OTP फिल करके आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करना होगा, आप आधार कार्ड ही सिलेक्ट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लेना है और वापस से प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आधार OTP ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आपके आधार नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें एक OTP जाएगा, OTP फिल करके उसमें टिक मार्क लगा के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना होगा, तो रेगुलर सेविंग अकाउंट कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ब्रांच सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिटी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका ब्रांच का नाम आ जाएगा। आप अपने सामने का ब्रांच सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड पे आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके ब्रांच पे इस अकाउंट पे मिनिमम आपको एवरेज मंथली बैलेंस कितना रखना होगा यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि मैं रेगुलर सेविंग अकाउंट सेलेक्ट किया हूँ, तो उसके लिए 5,000 मुझे मंथली में मेंटेन करना होगा। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा, उसके लिए यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके एक फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे, फादर नेम फिल कर लेंगे, आप मेरिड है कि अनमेरिड है फिल कर लेंगे, मदर नेम फिल कर लेंगे और यहाँ पर आपका पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ईमेल स्टेटमेंट, मतलब ये सभी आपको यस ही रहने देना है, इनेबल ही रहने देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिटेल डाल लेना है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्टूडेंट भी कर सकते हैं। सारा डिटेल आप देख के अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोवाइड योर एड्रेस में यहाँ पर आपका घर जो है अपना है या फिर रेंट पे है या फिर किस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड में से देख के सिलेक्ट कर लेना है। लैंडमार्क डाल सकते हैं यहाँ पर, और आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों में टिक मार्क लगा दीजिएगा, या फिर जो भी आपका मेलिंग एड्रेस है यहाँ पर नीचे फिल कर लीजिएगा, और अगर परमानेंट एड्रेस आपका अलग है तो आप नीचे इसका नीचे यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं, और अगर मेलिंग एड्रेस आपका दूसरा है तो दूसरा आप फिल कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नॉमिनी का नाम देना है, नॉमिनी आपका क्या लगता है रिलेशन डालना है, और नॉमिनी जिसको भी रख रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेना है, अगर आपका सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है, दोनों का अगर सेम है तो। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको, उसके बाद आपका बर्थ जिस स्टेट में हुआ था वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर टाइप करके बर्थ सिटी सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर PUP करके आप देख सकते हैं कि कितना कुछ फिल किया, या फिर डायरेक्टली आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो KYC आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। उसके लिए नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। आपका पैन कार्ड का ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, और आपके पास एक वाइट पेन वाइट सॉरी वाइट पेपर और एक पेन होना चाहिए,
उसके बाद यहाँ टिक मार्क लगा के एग्री एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर कस्टमर आईडी मिल गया है और यहाँ पर आपका आईएफएससी कोड जो भी होता है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद सेव अकाउंट डिटेल पर क्लिक करके आप ये सेव कर लीजिएगा। उसके बाद चाहे तो आप इंस्टेंटली यहीं पर पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं अपने अकाउंट में, इसको या ऐड मनी नाउ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली डाल सकते हैं या फिर बाद में भी आप डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर आपको मिल ही चुका है, इसको सेव करके रख लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं वीडियो KYC यहाँ से ही कर सकते हैं आप, ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं वीडियो KYC तो आप ब्रांच जाके भी आप वीडियो KYC कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए स्टार्ट वीडियो KYC पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वही पेन और पेपर लेके आपको रहना है और अपना पैन कार्ड आपको दिखाना है, बस सिंपल सा प्रोसेस होगा। वीडियो KYC आप ऑनलाइन ही कर पाएंगे, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट का काम है आपको पेन और पेपर में, इसलिए क्योंकि उसमें सिग्नेचर करके दिखाना होता है और आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं होता है वीडियो KYC में, बस आपको पैन कार्ड अपना दिखाना होगा, अपना नाम बताना होगा और एक सिग्नेचर करके आपको दिखाना होगा उस वाइट पेपर पर। उसके बाद आप चाहे तो इंटरनेट बैंकिंग भी आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होम पे आ जाना है, यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी आपको डाल लेना है, कस्टमर आईडी आपको यहीं से मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा या फिर सेव करके यहाँ फॉरगेट पे जाइएगा, यहाँ अपना कस्टमर आईडी डाल लीजिएगा और यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन जो है और इसमें डेबिट कार्ड तो अभी आया नहीं है तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिएगा। नीचे में कैप्चा देखकर फिल कर लीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये कैप्चा देख के आपको ध्यान से फिल कर लेना है और आपको नीचे में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, उसमें आपको देख के यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद एक SMS जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल आएगा आपको आपके ईमेल आईडी पर, जीमेल आईडी पर, और दोनों OTP देख के आप फिल कर लीजिएगा वापस से और कंटिन्यू करके यहाँ पर अपना नया पासवर्ड बना लीजिएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर 2 बार इंटर करेंगे अपना पासवर्ड, एग्री करके कंफर्म क्लिक कर देंगे तो आपका इंटरनेट बैंकिंग भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर कस्टमर आईडी और अपना पासवर्ड डाल के जो अभी आपने बनाया। देख सकते हैं कस्टमर आईडी मैंने डाल दिया, पासवर्ड यहाँ पर मैंने जो बनाया उसको डाल देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका इंटरनेट बैंकिंग इंस्टेंटली आप लॉगिन कर सकते हैं। देख सकते हैं अकाउंट नंबर बैलेंस अभी अकाउंट में नहीं है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन ही HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपका चेकबुक और डेबिट कार्ड 15 से 20 दिनों के अंदर आपके घर में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तब तक के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। फुल KYC आपका ऑनलाइन ही हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 साल के अंदर आप ब्रांच विजिट करके भी करा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।